वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास टेंथ मैथमेटिक्स यानी कि गणित के ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूं, जो कि आपके 100% करेक्ट आंसर की है। आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे और आप सब मिला लीजिए। तो और आइए शुरू करते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे। तो देखिए, आपका पहला सवाल है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा धुंधला हो गया है, कि यदि दो संख्याओं का मसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको 25 और 50 में गुना करके 25 पाँचे 125 1250 ए सही हो जाएगा। पहले का ए बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर जीरो तब होगा जब बी ए को विभाजित करता है, डी सही हो जाएगा। तीन नंबर है कि 625 के आवाज गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, तो आप 625 का इस तरह से लघुत्तम जैसा निकाल लीजिएगा 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, यानी टोटल 4×5 आएगा आपका। तो 3 का सी सही है। फटाफट आंसर की देख लीजिए। यदि भाग एल्गोरिथम में ए 72 और बी 9 तो आर का मान, तो इसमें देखिए 9 से भाग लगाएंगे तो 9×8=72 पूरा का पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। ठीक है, 5 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय देखिए इसको कटाएंगे ना तो ये अपरिमेय नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो नहीं वाला डी हो जाएगा। आगे 6 की 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात, तो सबसे पहले आपका एस सी एफ जो आएगा 5 आएगा, ठीक है ना, और एल सी एम निकालिएगा तो आपका 5 से कम 5, 5 तीन 15, 25 के 20, तो 5 तीन 15 60 आएगा, तो 60/5 12:1 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी सही हो जाएगा। इसमें निम्न में कौन सा युग में है ना, युग में जो है सह अभाज है, तो जिसका एच सी एफ अगर 1 होता है ना वो सह अभाज होता है, बिल्कुल 7 का बी राइट आंसर है। 8 नंबर आपका है कि 2 एक घातीय समीकरणों का लेखा चित्र, यदि इनमें से कौन सा आभाज है, तो 7 का बी हो जाएगा, 9 और 16 सह आभाज है। ठीक है, 8 है कि 2 एक घातीय समीकरणों को लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिच्छेदी में हल की संख्या 1 होती है, 8 का बी सही है। 9 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय का जो है कोई हल नहीं होगा, तो इसमें अगर के नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा ना तो कोई हल नहीं होगा, 9 का बी सही है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद दिया है कि शून्यकों का जोग, यानी कि शून्यकों का जोग का सूत्र होता है -b/a, तो b का मान -4 है और a का भी 1 है, तो -1 हो जाएगा, 10 का a सही है। ठीक है, आगे देखिए 11, यदि बहुपद एक से स्क्वायर -4x+1 के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है c/a, तो c का मान 1 है और a भी 1 है, तो इसमें b सही है 11 का। ठीक है, 12 है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या बताना है, तो द्विघात बहुपद में शून्य 2 होता है अधिकतम, त्रिघात में 3 होता है ना। 13 है पी एक्स के शून्य 1-2 है, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा, शून्य 2 है यानी एक्स का मान -2 है ना, इधर आएगा तो x+2, इसमें x+2 हो जाएगा, ऑप्शन कट गया है, 13 में x+2 याद रखिएगा। और 14 में द्विघात समीकरण का ग्राफ जो होता है परवलय जैसा होता है, बी सही है ना, ग्राफ इसमें पूछा है द्विघात समीकरण का, 14 का बी सही हो जाएगा। 15 है कि समीकरण x+y कितने हल होंगे, तो ये ऐसा कंडीशन में अनगिनत होते हैं ना, 16 का 15 का डी सही है। और आगे 16 घात एक वाला बहुपद है, जो घात एक हो उसको रैखिक कहते हैं, 16 में सी सही है। ठीक है, 17 है कि समीकरण जो है ये कट चुका है 17 में ना, थोड़ा सा इसका इसको छोड़ देते हैं। 18 असंगत समीकरण के हल कितने होते हैं, तो असंगत का कोई हल ही नहीं होता है, 18 में सी सही है। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न हैं आपके, है ना। यदि अल्फा और बीटा इतने के शून्य को, तो 1/2 का सूत्र होता है -b/c, तो b के जगह पर 1 है तो -1 हो जाएगा, c का -2, तो माइनस में कटेगा 1/2 हो जाएगा, c सही है। साइन a 3/4 हो तो cos 1, तो जस्ट इसका उल्टा होता है ना, तो बीस का सी हो जाएगा। ठीक है, sec स्क्वायर a -1 तो tan स्क्वायर a होता है, कई का बी सही है, 9 sec स्क्वायर है, 9 इसमें 9 कॉमन लेके बनाइएगा 9 हो जाएगा, 1-cos² है तो sec स्क्वायर a होता है ना, sin स्क्वायर a होता है, 23 का डी सही है। 24 नंबर देखिए, 24 में sin स्क्वायर 22 है +cos² 22, तो इसमें आपका मान 1 होगा याद रखिएगा, tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 30 डिग्री का होता है। 25 में सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 26 है आपका कि 1 प्लस tan स्क्वायर a
बराबर सेक स्क्वायर है, 26 का भी ये होगा, सेक के बराबर 1 बटा कॉस है, 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। 28 है कि साइन स्क्वायर 90 और टेन स्क्वायर 45, तो साइन स्क्वायर 90 का भी 1 और इसका भी 1, कट के हो जाएगा आपका 0। 28 का भी ए सही है। 29 है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, तो 45 डिग्री पे बराबर होता है, ठीक है। ए प्लस बी 90 डिग्री तो साइन ए के बराबर, तो साइन ए जो होगा 1 बटा कॉस ए के बराबर होता है, याद रखिएगा 1 बटा कॉस बी के, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 ये गलत हो गया ना, 28 29 30, ए प्लस साइन ए जो है कॉस बी के बराबर होगा, हमें बताए हैं हम ये। 31 है साइन 61 कॉस 90, तो 61 90 जुड़ने पर 1 हो जाए, बस मार दीजिए, 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, किसका ये है, तो ये थेल्स का है ना परमे, और ये तो कट गया है। 33 सभी वर्ग होते हैं तो समरूप होते हैं, 34 में ए हो जाएगा। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है 6 और 8, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो कुछ करना नहीं होता है, बस इसका रूट में ऐसे कर दीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64, मिलकर 100 होगा, 100 का 10 होता है, जिसमें 2 से भाग लेगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल है ना 5, ठीक है। 5 इज राइट आंसर, शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको निकाल के 2 से भाग है, ट्रिक से बना दिया हमने, है ना। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:9, 16:9 दिया है 35 में, तो भुजा पूछा तो बस रूट लगा दीजिए, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का 3, तो 4:3 हो जाएगा 36 में। त्रिभुज ABC BD दो संभव त्रिभुज, इस पर डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BD क्षेत्रफल, इस पर 4:1 आएगा आपका, है ना। फटाफट आंसर की है, मिला लीजिए 39। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, ठीक है, 39 का सी हो जाएगा। 40 है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सी पर समकोण बनाती है, तो क्या होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन है ना, नीचे में देखिए देख लीजिए, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कट चुका है, ठीक है। वृत्त वाला, तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा पूछा है, तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की जो होती है व्यास होती है, ठीक है। 41 का सी सही है, ओके। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका इतना मेहनत से हम क्वेश्चंस लाते हैं, एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है। 42 है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। 5 cos थीटा और 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी, तो इसमें बस ये 5 देख रहे हैं ना, बस इसी को टिक कर दीजिए, बी हो जाएगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई अक्ष का निर्देशांक कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक जो होता है ना 0 होता है, ठीक है। 2, 4 और 0, 0 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु, तो कुछ नहीं करना है, 2 में 2 से भाग लगा दीजिए या 4 में 2 से, क्योंकि एक 0 आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो एक एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, बिल्कुल बी सही है। 45 का भी एकदम ट्रिक से, वर्ग अंतराल 10 और 20 के वर्ग चाहिए, कुछ करना नहीं है, 10 और 20 को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए, 30 आएगा, 30 में 2 से भाग होगा 15, बिल्कुल है ना। 45 46 का बी हो जाएगा, ठीक है। 47 है कि 3 संख्याओं का मान 6, यदि उनमें से 2 संख्या या 5 और 8 है तो तीसरी, तो 3 गो का तो यहाँ गुना कर लीजिए, 3 गो का मान दिया है ना 6, तो 6 गुने 3 कर लीजिए, क्या आ गया 18, तो 18 आ गया, उसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 5 और + 8 13, तो 8 तो आपका हो जाएगा 18 आया था ना, उसमें 13 घटाइएगा तो कितना जाएगा 5, तो ये आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 48 है वृत्त की परिधि निम्न किसके, तो वृत्त की परिधि बहुत ईजी है, 2πr होता है, ठीक है। 48 का सी हो जाएगा। 49 आपका एक, यदि किसी गोले की त्रिज्या हो तो गोले की आयतन क्या होगा, तो गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, बिल्कुल आपका सही जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। 49 हो गया। अब आइए कुछ इधर 50 नंबर प्रश्न देखे, 49 के बाद थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कट गए हैं ना, छूट गया है। 54 है, कोई बात नहीं, आप लोग है ना 85 क्वेश्चंस करना होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग देख लीजिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। पी के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, तो वास्तविक और समान में आपको b² - 4ac करना होता है, तो b का मान आपका ना 4 है, 4 का² 16 हो जाएगा, -4 × p होगा, तो 4 × 16 = 4 आएगा, बिल्कुल b सही हो जाएगा ना, बराबर 0 होता है। मैं शॉर्ट रूप में बता दे रहा हूँ, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बना लीजिएगा, कट गया है आपको, बहुत ईजी है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का जोग होगा, तो शून्यकों का जोग -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि शून्यकों का जोग अल्फा प्लस बीटा होता है ना, -b भाई है, तो उसी सूत्रों पे बनाना है, तो -b तो -4/4 एक आ जाएगा, ठीक है। बिंदु 2 -2 और -5, तो जिसमें भी अगर माइनस माइनस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड आपका इसमें 57 के सी में है एकदम, बिल्कुल सही है ना, 57 हो गया। 58 देखिए कि किसी रेखाखंड का एक छोर यहाँ पे भी कट गया है, और 59 नंबर देखिए कि 1 + cot² तो 1 + cot² जो होता है आपका cosec² होता है ना, और 1 + tan² जो होता है वो sec² होता है, और इसको जब पलटिएगा तो 1/sin हो जाएगा,
और उसको सेक हो जाएगा कॉस ऊपर, तो कॉस बटा साइन कॉट होता है जो कि बी ऑप्शन में है ना, तो 59 में बी हो जाएगा। और 60 का तो ऑप्शन ही नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। तो ये था आपका ना मैथ का क्वेश्चन पेपर जो हमने आपको बताया, ऐसे ही प्रश्न रहने वाले हैं और यही शायद आएगा है ना, क्योंकि कुछ कुछ स्कूलों में अलग अलग भी आते हैं और कुछ स्कूल में कुछ, तो है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये आपका बेस्ट सोल्यूशन के साथ है। और आप लोग इस वीडियो को ना अपने साथी और दोस्तों में भी शेयर करेंगे, जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है और मुझमें जो बोलता है तेरी आवाज़ है। और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग वीडियो को तो एक लाइक बनता ही है, सभी एक लाइक करें और दोस्तों साथियों में भी शेयर करें। मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है और मुझमें जो बोलता है तेरी आवाज़ है। फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार और मोटिवेट करते हुए अगले वीडियो में। और आप लोग 7:30 में भी आइएगा, लाइव क्लास मिलेगा। ओके, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।